अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जनता के वोट को किस तरह से साधा जाए, उनका भरोसा किस तरह से जीता जाए, बस इसी जुगत में ये राजनीतिक दल लगे हुए हैं। इन सब के बीच जहां एक तरफ ये लड़ाई मोदी बनाम महागठबंधन देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस बार उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी किसी से कोई भी गठबंधन करने का इरादा बसपा का और बसपा प्रमुख मायावती का नहीं है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा झटका लगा है बहुजन समाज पार्टी को, यानी बसपा को। दरअसल खबर ये मिल रही है कि बसपा के दो नेताओं ने बसपा को टाटा बाय बाय बोलकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी अपनी वही रणनीति को अपनाने में जुट गई है जो वो लगभग हर चुनाव में अपनाती है, मसलन दूसरे दलों को तोड़ना। इसके तहत सपा, बसपा और कांग्रेस के नेताओं को बैक टू बैक पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। आगरा में दक्षिण विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रवि भारद्वाज और बसपा से खेरागढ़ से चुनाव लड़ने वाले गंगाधर कुशवाहा ने लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और इस खबर के मिलते ही बसपा के खेमे में हलचल मच गई। अब देखिए, एक तरफ मायावती अपने तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दे रही है कि नए लोगों को बसपा के साथ जोड़ा जाए, जो खोया हुआ कोर वोटर है उसको वापस लाया जाए। लेकिन ये क्या, बसपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो खुद पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जा रही हैं और इसीलिए बसपा को अब बड़ा झटका लगा है। बता दें, भाजपा जिस तरह से 2024 के लिए तैयारियां तेज कर रही है, ऐसे में हर दल में सेंध भी लगा रही है। छोटे से छोटे नेता और बड़े से बड़े नेता को भाजपा में शामिल कराया जा रहा है और इसी कड़ी में सोमवार को लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने बसपा के रवि भारद्वाज और गंगाधर कुशवाहा को पार्टी ज्वाइन कराई। बता दें, 2022 में दक्षिण विधानसभा सीट से रवि भारद्वाज ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और अब वो बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। बसपा के लिए ये बड़ा झटका है, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि मायावती इससे कैसे पार पा पाती हैं और साथ ही साथ बीजेपी की इस गठजोड़ की राजनीति पर उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल आपको बता दें, मायावती ने अपना स्टैंड भले ही क्लियर कर दिया हो कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि आखिरी वक्त पर हो सकता है बसपा भी गठबंधन कर ले। हालांकि मायावती जिस तरह का कदम उठा रही है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, क्योंकि हाल ही में मायावती ने यूसीसी को लेकर ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर हर कोई कंफ्यूज हो गया था। जरा सुनिए मायावती ने क्या कुछ कहा था। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया है, उसके संबंध में बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजे हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा, साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है।
जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है जो इस समय की जा रही है, क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है।